हेलो गाइस, वेलकम टू BFT फैमिली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में गाइस हम बात करेंगे हैदराबाद वर्सेस गुजरात के बीच में जो मैच होने वाला है शाम 7:30 बजे। वेन्यू गाइस करेगा DY पाटिल स्पोर्ट्स क्लब जो है मुंबई में। बात करते हैं गाइस इस वीडियो की, तो इसमें आपको काफ़ी सारी वैल्यूएबल चीज़ें आपको बताऊँगा, हेड टू हेड स्पेशल्स, वेन्यू स्पेशल और कुछ ग्रैंड लीग के प्लेयर टू वॉच आउट मेरी तरफ से जो रहने वाले हैं। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना, आपसे एक रिक्वेस्ट है, और हो सके तो वीडियो को थोड़ा सा शेयर भी कर देना। बात करते हैं गाइस हेड टू हेड की, तो गुजरात जिस तरीके से नई टीम है अभी तो कुछ खास स्टैट्स हैं नहीं। वेन्यू की गाइस बात करते हैं, सनराइज़र हैदराबाद ने गाइस यहाँ पर 2 मैच खेले हैं, उसमें से 1 मैच जीता है गुजरात का, आप समझ सकते हैं। लास्ट मैच का इस ऑब्जर्वेशन कुछ हैं जो इस वेन्यू पे हुआ था 9 अप्रैल को, CSK वर्सेस हैदराबाद का ही मैच हुआ था। उसमें गाइस आप देखो 6 विकेट मिले थे पेसर्स को, 3 विकेट मिले थे स्पिनर्स को। पास गाइस जो 5-6 मैचेस यहाँ हुए उसमें गाइस हमने क्या देखा है, आपकी ग्रैंड लीग में काम में आएगा, यहाँ पर पेसर्स थोड़ा सा ज़्यादा डोमिनेटिंग होते हैं। लास्ट के 6 मैचों में यहाँ पर पेसर्स को मिले हैं 45 विकेट और स्पिनर्स को मिले हैं यहाँ पर 24 विकेट, ऑलमोस्ट हाफ कह सकते हैं हम यहाँ पर। तो इस तरीके से आपको अपनी ध्यान देना है। इन ऑर्डर में अगर बात करूँ तो सबसे ज़्यादा गाइस यहाँ पे आपके लिए वैल्यूएबल रहेंगे राइट आर्म फास्ट बॉलर, उसके बाद राइट आर्म ऑफ ब्रेक स्पिनर और लेग स्पिनर आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, उसके बाद लेफ्ट आर्म फास्ट और लेग स्पिनर, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर जो है उनको आप अपनी टीम्स में रोटेट कर सकते हो। सारी मैंडेटरी नहीं है कि हर टीम में आपको रखना ही रखना है, बाकी जो टॉप ऑर्डर है इनको आपको फोकस करना है। बात कर लेते हैं गाइस यहाँ से प्लेइंग 11 क्या होने वाला है। तो हैदराबाद की तरफ से गाइस आपको देख रहे अभिषेक शर्मा देखेंगे, केन विलियमसन देखेंगे, राहुल त्रिपाठी देखेंगे, एडम मकरम देखेंगे, राइट आर्म ऑफ ब्रेक स्पिनर है, एक आधो ओवर बॉलिंग कर सकते हैं, अब्दुल समाद देखेंगे, निकोलस पुरोज देखेंगे, वॉशिंगटन सुंदर राइट आर्म ऑफ ब्रेक स्पिनर, 2 ओवर कन्फर्म, 3-4 भी डाल सकते हैं ईजिली, रोमारियो शेफर्ड फास्ट बॉलर, भुवनेश्वर कुमार फास्ट बॉलर, उमरान मलिक फास्ट बॉलर, नटराजन फास्ट बॉलर और सीन अबाउट लाइकली टू प्ले हैं आज के मैच में, ये भी फास्ट बॉलर हैं। डेब्यू गाइस जब कोई प्लेयर करता है तो या तो वो चमत्कार करता है या तो फिर वो बिल्कुल ही डिसअपॉइंटमेंट दे के जाता है, एवरेज परफॉर्मेंस बहुत ही कम है कि कोई दे के जाए, या तो वो अच्छा करेगा 2 से 3 विकेट निकालेगा या तो फिर वो खाली ही जाएगा। बात करते हैं स्टार्टिंग ओवर्स की हैदराबाद की तरफ से, तो आपको भुवनेश्वर कुमार देखेंगे, उमरान मलिक देखेंगे, वॉशिंगटन सुंदर, रोमारियो शेफर्ड, इनमें से कोई भी स्टार्टिंग ओवर्स डाल सकता है। डेथ ओवर्स में गाइस आपको सेम देखेंगे, नटराजन हो सकता है यहाँ से डेथ ओवर में बॉलिंग कराएं। गुजरात की गाइस बात करें प्लेइंग 11 की, तो गाइस यहाँ से आपको शुभमन गिल देखेंगे ओपनिंग करते हुए मैथ्यू वेट के साथ, फिर विजय शंकर देखेंगे, हार्दिक पांड्या देखेंगे, डेविड मिलर, राहुल तेवतिया भी ऑफ स्पिनर है, बॉलिंग एक आध ओवर करा सकते हैं, अभिनव मनोहर लेग स्पिनर है, राशिद खान लेग स्पिनर है, बाकी यहाँ से सारे फास्ट बॉलर हैं इनके, लोकी फर्ग्यूसन, मोहम्मद शमी, वरुण एरन, साई किशोर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है और दर्शन नालकंडे खेलते हैं तो फास्ट बॉलर हैं ये। स्टार्टिंग ओवर्स की गाइस बात करें गुजरात की तरफ से, तो मोहम्मद शमी देखेंगे, फर्ग्यूसन, हार्दिक पांड्या, वरुण एरन, मोस्टली हार्दिक पांड्या ही ओपनिंग कर रहे हैं लास्ट 1-2 मैच से। डेथ ओवर्स में भी गाइस आपको सेम बॉलर्स यहाँ से दिखेंगे। बात करते हैं गाइस इस वेन्यू पे परफॉर्मेंस की, तो यहाँ से गाइस आप देख सकते हैं सनराइज़र हैदराबाद की तरफ से अभिषेक शर्मा ने गाइस इस वेन्यू पे 2 मैच खेले हैं, दोनों ही मैच दूसरी पारी में बैटिंग की है, तो 1 में 13 किया है, 1 में 75 किया है। केन विलियमसन की गाइस बात करें दूसरी पारी में 16 किया है इस वेन्यू पे और 32 किया है। राहुल त्रिपाठी ने दूसरी पारी में इस वेन्यू पे 44 किया है और 39 नॉट आउट किया है, दोनों ही मैच में अच्छी पारी खेली है यहाँ पर। एडम मकरम ने पहली पारी में इस वेन्यू पे 1 विकेट निकाला है, दूसरी पारी में 12 रन किए हैं। अब्दुल समाद ने गाइस इस वेन्यू पे दूसरी पारी में 0 किया है एक बार विद द बैट। निकोलस पुरन ने गाइस यहाँ से 5 नॉट आउट रहे हैं पहली पारी में और दूसरी पारी में यहाँ पर 34 रन किया है, तो एक ठीक परफॉर्मेंस जिनका यहाँ से है। वॉशिंगटन सुंदर ने गाइस 1 मैच में इस वेन्यू में पहले बॉलिंग करते हुए 2 विकेट निकाले, दूसरी पारी में बैटिंग करते हुए 18 रन किए, फिर दूसरे मैच में सिर्फ 2 विकेट यहाँ से निकाले, बैटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। रोमारियो शेफर्ड ने गाइस इस वेन्यू में पहले बॉलिंग करते हुए 2 विकेट निकाले और दूसरी पारी में 8 रन किया है, तो विद द बॉल यहाँ पर 1 मैच में सही परफॉर्मेंस है। बात करते हैं भुवनेश्वर कुमार की, तो काफ़ी एवरेज सा परफॉर्मेंस है, दोनों ही पारी में 2 मैच में एक विकेट इन्होंने निकाला है। उमरान मलिक ने गाइस पहली पारी में 2 मैच में बॉलिंग करी और दोनों मैच में ही विकेटलेस रहे थे। नटराजन ने 2 मैच में दोनों ही बार फर्स्ट पारी में बॉलिंग की है और 2-2 विकेट दोनों ही मैच में निकाले थे। सीन अबाउट इस वेन्यू पर गाइस कभी खेले नहीं है। बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात का वेन्यू स्टेट ज़्यादा है नहीं, खाली मैथ्यू वेड ने इस वेन्यू पर सेकेंड पारी में बैटिंग करते हुए 3 रन किए थे। हालाँकि मैथ्यू वेड फर्स्ट इनिंग के ही मोस्टली स्पेशल प्लेयर्स हैं और आगे आपको और बताता हूँ मैं। यहाँ से गाइस कुछ हेड टू हेड स्पेशल्स की बात करें, तो हेड टू हेड सेट इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन जितने मुझे मिले तो मैंने उसको सिंपल कट टू कट करके यहाँ से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। शुभमन गिल का सेकंड बैटिंग करते हुए स्पेशल रहेंगे, ये हेड टू हेड के अकॉर्डिंग है, मैं इसलिए सेकंड इनिंग फर्स्ट इनिंग आपको बता रहा हूँ। ये माइंड सेट आप नहीं बना लीजिएगा
कि मैंने बोला है सेकंड इनिंग, ये हेड टू हेड के हिसाब से है कि मतलब इस पारी में इन्होंने अच्छा किया है। शुभमन गिल ने सेकंड पारी में अच्छा किया हुआ है, मैथ्यू विड ने फर्स्ट इनिंग में, हार्दिक पांड्या दोनों पारी में अच्छा कर सकते हैं। यहाँ से गाइस डेविड मिलर ने सेकंड पारी में अच्छा किया हुआ है। राहुल तेवतिया की बात करें तो फर्स्ट में नॉट आउट ही रहते एक मैच में, तो उसका अपन कुछ कह नहीं सकते। सेकंड पारी में इस वेन्यू पे हेड टू हेड स्पेशल्स में 45 किया है। लोगी फर्ग्यूसन ने सेकंड बॉल में अच्छा किया है टीम के अगेंस्ट। मोहम्मद शमी सेकंड बॉलिंग स्पेशल, वरुण एरन दोनों पारी में स्पेशल रहेंगे। साई किशोर जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर हैं वो फर्स्ट पारी में आपके लिए स्पेशल रहेंगे हेड टू हेड के अकॉर्डिंग। BFT के अकॉर्डिंग गाइज, हमारे अकॉर्डिंग कुछ प्लेयर टू वॉच आउट और कैप्टन वाइस कैप्टनसी के पिक आपके रहेंगे मोहम्मद शमी, शुभमन गिल, राहुल त्रिपाठी, राशिद खान अगर सेकंड बॉलिंग करते हैं तो, साई किशोर, अभिनव मनोहर, इन दोनों में से कोई एक खेलेगा ही, जाहिर सी बात है एक कोई स्पेशल रहेगा। लोकी फर्ग्यूसन और वॉशिंगटन सुंदर, ये कुछ गाइस प्लेयर्स हैं जो हमारी तरफ से आज के मैच में प्लेयर टू वॉच आउट रहने वाले हैं। भाई गाइस आई होप आपको वीडियो वैल्यूएबल लगी हो। अगर आपको लगता है मैं कुछ इस वीडियो में बताना रह गया हो या आपके कुछ पूछना हो आज के मैच से रिलेटेड, चाहे वो ग्रैंड लीग हो स्मॉल लीग, तो गाइस आप इस वीडियो के नीचे एक कमेंट कर देना, मैं उसमें आपका क्वेश्चन का आंसर कर दूंगा। भाई गाइस टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उससे आपको जो भी टीम्स हैं वो सब मिल जाया करेंगी और जो भी अपडेट्स हैं वो वहाँ पर आपको पता चल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।